नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम टू शांतनु बार्स केयर आज इस वीडियो में हम लोग एक चाय के बारे में बात करेंगे हम लोग जो चाह मतलब पीते हैं वो ऐसे चाय नहीं है बार्स को भी हम लोग चाय प्रोवाइड कर सकते हैं मैं ग्रीन टी के बारे में भी नहीं बता रही हूँ एक नेचुरल हर्बल टी जो इसी मौसम पे जहाँ पे मान लीजिए बारिश का मौसम है अभी कुछ कोलकाता या कोलकाता के आसपास भी अब आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो सकता है पाकिस्तान में या बांग्लादेश में नहीं हो रहा है वर्षा लेकिन इधर पे बारिश का मौसम है मैं छोड़ दिया बारिश का तो दो दिन का मौसम है अभी तो विंटर चल रहा है तो इसी विंटर के चलते ऐसे कौन सा चाय या नेचुरल जो चाय के हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं बार्ड्स को जिससे उसका हेल्थ बोलिए मेंटल मतलब शारीरिक हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को अच्छा महसूस करवाए और एक एनर्जी मिले उसके साथ साथ वो बेटर फील करे एंड बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो इतने सारे चीज़ कुछ चाय में मतलब आप प्रोवाइड कर सकते हैं जैसे मान लीजिए एकदम से एकदम से नेचुरल चीज़ है जो है से कोई चीज़ें नहीं बताऊंगा जो इंग्रेडिएंट जो आपके स्थान पे या आपके जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हो वहाँ अवेलेबल नहीं है हर चीज़ हम लोगों के रसी घर मतलब किचन में अवेलेबल होता है और हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुकिंग करके हम लोग इसको खाते हैं या पीते हैं पहले जो इंग्रेडिएंट्स है पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है अदरक अदरक का चाय हम लोग भी पीते हैं लेकिन हम लोगों का बनाने का तरीका अलग होता है हम लोगों का चाय का जो पत्ता होता है या पत्ती होता है उसके साथ अदरक मिला के दूध या चीनी मिला के हम लोग खाते हैं कोई भी लिकर अदरक चाय भी पीते हैं लेकिन बाट्स को सिर्फ रॉ अदरक को बॉयल करके उसके साथ थोड़ा सा नेमन और थोड़ा सा मात्रा में चुटकी भर आप थोड़ा सा काला नमक या ब्लैक या रॉक सॉल्ट मिला के आप प्रोवाइड कीजिए सुबह सुबह इससे बहुत अच्छा महसूस करेंगे और गुनगुना गर्म होना चाहिए तभी जाके ये चीज़ें वो महसूस कर पाएंगे आराम भी महसूस करेंगे सर्दी जुकाम में तो काम करेगा ही करेगा एक अलग सा एनर्जी महसूस करेगा आपके बार्स कोई भी किस्म का चाहे फिंचेस हो या कनूर बार्स हो या बड़े भी कोई भी पैरट हो कुछ भी हो अदरक सारे चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं अभी चलिए थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं अदरक को थोड़ा सा और भी मॉडिफाई करते हैं और भी एडवांस लेवल पे लेकर जाते हैं जो आपको बार्ड्स के लिए हानिकारक नहीं है लेकिन हाँ मेनटेन करना पड़ेगा वो भी चाय बनाने के लिए भी जो भी इंग्रेडिएंट का नाम नया नया मैंने वीडियो में नाम लिया लेकिन वो अलग सा ब्रेडिंग सीजन के बारे में बताया लेकिन ये सारे चीज़ प्रोवाइड कर से करके हम लोग बाड्स को सुविधा दे सकते हैं डाइजेशन बोलिए ऊर्जा बोलिए सर्दी जुखाम बोलिए मतलब क्या बोलते हैं स्किन के लिए बोलिए या आपके आपका से जो नर्वस ब्रेकडाउन होता है विंटर में उसके लिए भी बोलिए अदरक के साथ आप थोड़ा सा लौंग थोड़ा सा इलायची थोड़ा सा मात्रा में इलायची का छिलका जो है उसको निकल दीजिए छोटा बड़ा इलायची ले सकते हो तो सुविधा होगा वो निकल के थोड़ा सा उसको डास्ट करके हो या वैसे ही जो फॉर्मेशन में है रॉ फॉर्मेशन में है अदरक का थोड़ा सा ठोक लीजिए उसका रस निकल आएगा उसके साथ साथ आप थोड़ा सा लौंग यूज़ कीजिए थोड़ा सा मात्रा में मतलब एक लिट कैसे बोले मतलब थोड़ा सा सौ एम एल पानी के लिए बोल रही हूँ ये तीन लौंग प्रोवाइड कर सकते हो थोड़ा लौंग को भी थोड़ा सा ठोक लीजिएगा रस जो ऑयल जो है उयल, लौंग का जो ऑयल बनता है जो दांतों के लिए हम लोग लगाते हैं थोड़ा सा देखिएगा ऑयल निकल आ रहे हैं पानी में डाल दीजिए उसके साथ बरे बरे जादा जादा साथ बड़े इलायची लीजिए बड़े इलायची का ज़्यादा से ज़्यादा छः सात या आठ दाना पानी में फेंक के अदरक के साथ थोड़ा सा बॉयल कर लीजिए देन उसके साथ थोड़ा सा उसको तो लेम, लेमन मिलाना है आप नीचे उतर के थोड़ा सा गुनगुना में अवस्था में ओवर हीट में नहीं नींबू पानी को दीजिए मतलब नींबू को निचोड़ लीजिए ज़्यादा भी नहीं मान लीजिए दस बारह बूंद एक सौ एम पानी में देन आप थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मात्रा में वही काला या ब्लैक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट मिला के आप प्रोवाइड कीजिए आप देखिएगा बैक टू बैक प्रोवाइड कीजिएगा ज़्यादा ओवर डोज मत कीजिएगा ओवर में डायरिया भी लग सकता है या लूज मोशन भी हो सकता है इससे आपका बार्स का स्किन ठीक रहेगा इससे आपका बार्स का डाइजेशन इंप्रूव होगा इससे आपका बार्स का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा और बच्चा जो बार्स हैचिंग पे है उसको तो सोने पे सुहागा है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा है मूड नहीं बदलेगा मतलब फ्लैक्चुएट नहीं करेगा अदरक जहाँ पे है उसके साथ साथ लॉन्ग इलायची भी मूड पे बहुत काम करते हैं, और ये एकदम हार्बल है एकदम से नेचुरल है जहाँ पर कोई भी मिलावट नहीं है जिससे आप यूज़ करके बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो अपने बाढ़ के लिए तो ये से चाय और एक चीज़ जहाँ पे अदरक मिलाया अदरक कॉमन देखिए मदर इंग्रेडिएंट है इससे आपको मिलाना पड़ेगा उसमें इलायची को बाद तो मतलब अलग कर दीजिए आप लौंग को थोड़ा सा मात्रा में यूज़ कीजिए और थोड़ा सा दार चीनी केलेमन जिसको कहा जाता है दार को यूज़ करके थोड़ा सा मात्रा में वो भी देसी दार होना चाहिए जो मीठ मतलब काटने से हम लोग भी काटने से थोड़ा सा मीठा मीठा झाल झाल मतलब तीखा महसूस करे ऐसे थोड़ा सा मात्रा में उसको ऐसे बॉयल मत कीजिए देखिए दार एक गाज़ का छिलका है तो तो उसको थोड़ा सा ड्राई मतलब ड्रास्ट कर लीजिए ऊपर में सोया ऐसे छिड़क दीजिए थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए उतर के वहाँ पे भी थोड़ा सा मात्रा में नींबू और काला नमक दे आप यूज़ कीजिए इससे इतना बेनिफिट मिलेगा मतलब पूरा जो इंटर जो विंटर सीजन में मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकते हो आपको एक दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सही टाइम से सही मतलब ये पानी हर पानी देना है सॉफ्ट फूड देने से पहले सुबह सुबह जब थोड़ा सा कोल्ड रहे मोहम्मद वेदर दोपहर में मत दीजिए क्योंकि अभी का विंटर जो है दोपहर में गर्मी सुबह में ठंडा फिर रात में धीरे धीरे ठंडा बढ़ते रहते हैं दोपहर में मत दीजिए सुबह के टाइम दीजिए जो कोई भी सिचुएशन के बार्स को प्रोवाइड कर सकते हो ऐसे नहीं है जो बच्चा है मत दीजिए बच्चा होने से थोड़ा सा इनग्रीडियंट्स का जो काउंटिंग है थोड़ा सा कम हो जाएगा और जो लोग एक लीटर दो लीटर पानी यूज़ कर रहे हो वो लोग हमको व्हाट्सएप में पूछ लेना क्या डोजेस है फिर मैं ये सारे चीज़ एक ई बुक में कंप्लीट कर रही हूँ मैंने जिक्र किया आप लोगों के साथ कल ही वीडियो में इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा बहुत सारे चीज़ों ये आप देख पाओगे मिल पाएंगे जो अभी तक जो बेसिक चीज़ है अभी तक नहीं सुने हो बार्स फील्ड में बहुत दिन से हो लेकिन अभी तक आप लोगों के नॉलेज में नहीं है वो ई बुक से आप लोगों को वो नॉलेज गेन होगा और आपके बार्स को सुरक्षित रखने में बहुत मदद करेगा वो सारे जो ई बुक मैं बना रही हूँ लेकिन वो पेड होगा आपको पे करके लेना पड़ेगा मेरे को नहीं वो लिंक होगा वो लिंक में पे करके डायरेक्ट आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ भी से आप पे करके आप डाउनलोड करके इंग्लिश और बंगाली में होगा आप देख सकते हो तो वो अलग से बात है लेकिन अभी जो है ये चीज़ें ज़रूर करना अदरक पहले जो इन्ग्रीडियंट्स अदरक उसके बाद लौंग इलायची अदरक नींबू और काला नमक उसके बाद लौंग दालचीनी अदरक नींबू काला नमक ये कॉम्बिनेशन आप यूज़ करके देखिए और हल्का से रखिए अगर मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में आप पर मतलब दे भी दिया अचानक से तो उसके साथ थोड़ा सा पानी का डाइल्यूट कर लीजिए डिजॉल्व मतलब पानी एक्स्ट्रा पानी से जो गुनगुना होना चाहिए ठंडा पानी मत दीजिए एक्स्ट्रा पानी को बॉईल कर लीजिए सेम टेम्परेचर में मिला के बार्स को प्रोवाइड कीजिए हर्बल चाय कहा जाता है इसको आपका बार्स बहुत ही अच्छा तंदुरुस्त बेनिफिट मतलब महसूस करेंगे और इससे फर्टिलिटी भी बढ़ता है इससे क्या होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है और उसको सर्दी जुखाम इनडाइजेशन स्क्रीन प्रॉब्लम नर्वस प्रॉब्लम कभी नहीं होगा लेकिन डोज सही से मेंटेन कीजिएगा तो चलिए आज इतना ही नमस्कार